डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस में आपने पहले पैरामेट्रिक इक्वेशंस समझनी होगी और उसके बाद हम पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को समझेंगे। तो आपने कई बार फंक्शन इस तरह देखे, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसे कहते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। दूसरे टाइप में आपने देखे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल टू फोर, ये कहलाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। और अगर फंक्शन एक दूसरे वेरिएबल की हेल्प से कनेक्टेड हो, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a साइन t, y इज इक्वल टू b cos t, डायरेक्टली x और y आपस में कनेक्टेड नहीं है पर एक वेरिएबल की हेल्प से अगर वो कनेक्टेड है तो ऐसे फंक्शंस को पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। इसमें t कांस्टेंट नहीं होता है। तो आइए हम इसी टाइप के फंक्शन के डिफरेंशिएशन समझते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि x को अगर मान लें, सपोज x इज f ऑफ t, x को t का फंक्शन मान लें, y को भी t का फंक्शन मान लें g ऑफ t, अगर x t का फंक्शन है y भी t का फंक्शन है, तो dy by dx की जो वैल्यू है, dy by dx की वैल्यू वो होती है dy by dt अपॉन dx by dt। dy by dt का वैल्यू है, सॉरी dy by dx का वैल्यू है dy by dt अपॉन dx by dt। ये है आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। dy by dt आप लिख सकते हैं g dash t अपॉन f ऑफ t का डेरिवेटिव है f dash t। अब आप इसको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझें। फॉर एग्जांपल आप ले लें कि अगर आपके पास इफ x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, देन फाइंड dy by dx। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा सरल क्वेश्चन। देखिए कैसे होगा। x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू है ए टी स्क्वायर, देयरफॉर dx by dt इज व्हाट, dx by dt इज 280। y इज व्हाट, y इज 280, देयरफॉर dy by dt इज 2a। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड dy by dx। अब हमें dy by dx निकालना है, इसलिए dy by dx का वैल्यू होगा dy by dt अपॉन dx by dt। तो dy by dt का वैल्यू है 2a और dx by dt का वैल्यू है 280। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 1 by t। तो आपने देखा कि इस तरीके से dy by dx का वैल्यू होगा 1 upon t। अगर आपको कभी dx by dt निकालने को कहते हैं dx by dy निकालने को कहते हैं तो dy by dx का जस्ट अपोजिट है dx by dy। और डायरेक्ट अगर निकालना हो तो ये वाला भी लगा सकते हैं dx by dt dy by dt। तो dx by dt की वैल्यू रखें 280 अपॉन 2a, तो आपका आ गया t। तो ये तरीका था पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का। एक अगला क्वेश्चन लेते, वो भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आइए उसको भी समझते हैं। इफ x इज इक्वल टू a टाइम्स t प्लस साइन t, साइन t, y इज इक्वल टू a टाइम cos t, then prove that dy by dx is equal to minus tan t by 2। ये हमें प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। वी आर गिवन, गिवन व्हाट वी आर गिवन, x इज इक्वल टू a टाइम्स
टी प्लस साइन टी, वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस टी, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस टी, डी वाई बाय डी टी इज माइनस ए साइन टी। अब अपने को फाइंड करना है डी वाई बाय डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। डी वाई बाय डी टी का वैल्यू ले ले, माइनस ए साइन टी अपॉन ए इंटू वन प्लस कॉस टी, ए से कैंसिल। अब हमें ये प्रूव करना है, तो इसका मतलब है हमें थोड़ा सा कुछ आगे भी करना होगा। तो आगे भी करना होगा, इसके लिए क्या करें, तो आप हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दें। हाफ एंगल का फॉर्मूला साइन टी के लिए है टू साइन टी बाय टू कॉस टी बाय टू अपॉन वन प्लस कॉस टी के लिए है टू कॉस स्क्वायर टी बाय टू, टू टू कैंसिल, कॉस टी बाय टू कैंसिल, फाइनली आया ये माइनस टेन टी बाय टू, हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। इस तरीके से ये रिजल्ट प्रूव हुआ। अब इसके बाद हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके डिस्कस करते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस के। उसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन नंबर थ्री है, x इज इक्वल टू a टाइम्स cos t प्लस log, दिस इज log, एल ओ जी लॉग टेन टी बाय टू, बेस इज ई, एंड वाई इज इक्वल टू बी साइन टी फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। क्वेश्चन इस तरह का है, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू दिस मच, वाई इक्वल टू दिस, एंड वी आर सपोज टू फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। तो लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। एक्स इज रिटन ओवर हियर, यू कैन फाइंड डी एक्स बाय डी टी डायरेक्टली। डी एक्स बाय डी टी इज ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टी यू नो माइनस साइन टी प्लस लॉग टेन टी बाय टू को आप लिख सकते हैं वन अपॉन टेन टी बाय टू, टेन टी बाय टू का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी बाय टू, टी बाय टू का भी डेरिवेटिव होगा वन बाय टू, और आप एक लाइन खींच के y का भी निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू दिस मच, तो dy वाई बाई डी टी इज बी टाइम्स cos t, b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू t cos t, a टाइम्स माइनस sin t प्लस वन बाय टू, पहले लिखें 10t टी बाई टू का होगा sin t बाई टू अपॉन cos t बाई टू, sec स्क्वायर को नीचे ला दें cos स्क्वायर t बाई टू, cos t बाई टू से cos t बाई टू कैंसिल, dy बाई डी टी विल रिमेन b cos t, इधर स्कोप खत्म, इधर स्कोप है, कैसे, a इंटू माइनस sin t प्लस वन अपॉन टू sin t बाई टू cos t बाई टू, यू नो वेरी वेल 2 sin t by 2 cos t by 2 is sin t। अब आप LCM ले लें, a into minus sin square t plus 1 upon sin t, a into 1 minus sin square t, you know what is 1 minus sin square t, cos square t upon sin t, ये आपका आ गया है dx by dt। अब हमें फाइंड क्या करना है, आपको मालूम है व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, हमें फाइंड करना है dy by dx। तो dy by dx की वैल्यू आपको मालूम है किस तरीके से निकलती है, तो dy by dx, नाउ dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। तो dy by dt का वैल्यू ले लो b टाइम्स cos t होल अपॉन a इंटू cos square t अपॉन sin t, sin t को आप ऊपर भेज दें
और cos t से cos t कैंसिल भी कर सकते हैं, तो b अपॉन a sin t अपॉन cos t मीन्स b अपॉन a tan t. देयरफॉर द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज dy by dx इज इक्वल टू b अपॉन a tan t. ये इस क्वेश्चन का था. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस. अब हम आगे बढ़ते हैं. जो पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें भी एक नज़र देख लेते हैं. बड़ा आसान है, आप सरलता से कर सकते हैं. अगर कहीं वीडियो में आपको लगे कि मुझे ये स्टेप्स आती हैं, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं. अगर किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं. अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें थोड़ा सा ये टिपिकल है पर बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. CBSE 2015 में, CBSE 2015, 2016 ये दो साल ऐसे हैं जिनके पेपर बड़े कठिन माने जाते हैं, उस समय ये क्वेश्चन आया हुआ है. आइए अब उस क्वेश्चन पर हम नज़र मारें. x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t, और हमें प्रूव करना है dy by dx इज इक्वल टू माइनस cot 3t. आपको ऐसा x का वैल्यू दिया है, y का दिया है, एंड आपको प्रूव करना है. दिस इंडिकेशन, दिस सिंबल ऐसे पढ़ा जाता है, इफ दिस इज गिवन देन यू आर सपोज टू प्रूव दिस. ऐसा अब इसके सॉल्यूशन को लिखते हैं, बड़ा सिस्टमेटिक और आसानी से हम समझ सकेंगे. आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, देखें, आप मुझे फॉलो करें. व्हाट वी आर गिवन, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t. अब dx बाई dt निकालना होगा और dy बाई dt. मैं आपको dx बाई dt निकालूंगा इस क्वेश्चन में, आप बिल्कुल सिमिलरली इसको फॉलो करके dy बाई dt निकालिएगा. तो आप देखिए dx बाई dt क्या होगा. यूजिंग क्वोशेंट रूल, रूट कॉस 2t स्क्वायर, रूट कॉस 2t कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब टी, 3 साइन स्क्वायर टी, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कॉस 2t 1 अपॉन 2 रूट कॉस 2t, कॉस 2t का माइनस साइन 2t, 2t का 2. अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं. ये 2 कैंसिल हो रहा है, आप कैंसिल कर दीजिए. ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे. ये बड़ी वर्टिकल लाइन का मतलब है कि ये इस माइनस से कैंसिल होगा. अब आप एलसीएम भी ले सकते हैं. एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास, रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t. तो ये हो जाएगा आपके पास रूट कॉस 2t रूट कॉस 2t विल बिकम कॉस 2t. 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी एज इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t होल अपॉन रूट कॉस 2t, और उन सब के भी अपॉन में क्या है, रूट कॉस 2t होल स्क्वायर. अब अगर आप इसके अपॉन में, न्यूमरेटर इज हैविंग समथिंग इन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के अपॉन में आप चाहें तो 1 लिख लें. न्यूमरेटर के अपॉन में ऑलरेडी डिनोमिनेटर है, बट डिनोमिनेटर इज नॉट हैविंग एनीथिंग इन डिनोमिनेटर, देयरफॉर यू कैन पुट 1, ताकि आपको समझ में आए कि कौन किससे मल्टीप्लाई होगा. नहीं तो कभी कभी आप इससे इसको कैंसिल कर देते और गलती हो जाती है. तो ये 1 अपॉन के अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा,
वन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा एंड देयर विल बी नो चेंज इन ब्रैकेट, और रूट कॉस 2t इससे मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम रूट कॉस 2t क्यूब। आइए और आगे देखते हैं। आप देखिए कि किस तरह से हम ये प्रोसीड करते हैं। ऊपर में से जो न्यूमरेटर है इसमें कॉस 2t का आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कॉस 2t के कई फॉर्मूले हैं, हम यहाँ साइन वाला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है आप समझो, हमें प्रूव करना है माइनस कॉट 3t। माइनस कॉट 3t मतलब कॉस 3t अपॉन साइन 3t, कॉस 3t अपॉन साइन 3t, माइनस कॉस 3t अपॉन साइन 3t। अब आपको कॉस 3t का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, मतलब सब कुछ कॉस कॉस में है। साइन 3t का है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, सब कुछ साइन साइन में है। तो इसमें हमें dx बाय dt जो नीचे की चीज़ है वो साइन 3t है, और साइन 3t का मैंने आपको फार्मूला भी बताया। क्या साइन 3t और कॉस 3t का मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट कर लें चाहें तो। अगर आपको कॉस 3t इज 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, साइन 3t का फॉर्मूला रहेगा आपके लिए 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ये दोनों फॉर्मूले हैं कॉस 3t और साइन 3t के, यू कैन कीप इन माइंड। तो अब आप समझ गए होंगे कि साइन 3t का फॉर्मूला है, सब कुछ साइन साइन में है। तो कॉस 2t की जो यूज वैल्यू है वो हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए कॉस 3t की वैल्यू ऐसे लिखेंगे हम, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर टी, ये कॉस 2t का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ साइन। और हमारे पास है थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी, थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। दिस मोबाइल आई यूज एज अ रिमोट कंट्रोल। तो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी, साइन 2t यू नो 2 साइन टी कॉस टी, ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन रूट कॉस 2t, रूट कॉस 2t होल स्क्वायर, रूट कॉस 2t होल क्यूब। आप देखिए इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन तो ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं, पर इसमें से कॉमन लेते हैं हम साइन टी और कॉस टी। साइन टी कॉस टी कॉमन, डिनोमिनेटर विल हैव रूट कॉस 2t होल क्यूब, ब्रैकेट 3 इज देयर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2t, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और 3 साइन टी इज देयर प्लस, यहां से हमने लिया साइन टी कॉस टी कॉमन, तो ये बचेगा 2 टाइम्स साइन क्यूब टी इज इक्वल टू साइन टी कॉस टी रूट कॉस 2t होल क्यूब ब्रैकेट। अब आप ये साइन टी और 3 दोनों मल्टीप्लाई कर दें, 3 साइन टी माइनस 3 टू जा 6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी, आई थिंक इट इज विजिबल, 2 साइन क्यूब टी इज विजिबल। आप देख सकते हैं दिस इज माई मोबाइल विच आई यूज एज अ रिमोट कंट्रोल एंड इट इज कनेक्टेड थ्रू वाईफाई, और जो भी कैमरे में कैप्चर होता है वो मैं इसमें देख लेता हूँ। इससे विजिबिलिटी बन जाती है कि किस से कहाँ तक की रेंज का मुझे लिखना होता है। ये आप एक बार और देख सकते हैं।
तो आपके पास आ गया साइन टी कॉस टी अपॉन, इसमें सॉल्यूशन नहीं है, ये केवल विजिबिलिटी सेट करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए है, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ब्रैकेट क्लोज। तब आप देखो कि dx बाई dt क्या मिल गया आपको, dx बाई dt मिल गया साइन टी कॉस टी रूट कॉस 2t होल क्यूब, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, और 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी आप यहाँ देख सकते हो, व्हाट इज 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, इट इज साइन 3t, तो ये है साइन 3t। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि dx बाय dt का वैल्यू क्या हो गया, dx बाय dt का वैल्यू हो गया dx बाय dt इज साइन टी कॉस टी रूट कॉस 2t होल क्यूब साइन 3t। सिमिलरली इसी तरह से ये आप सेल्फ करें प्रूव, ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, डी वाई बाय डी टी, डी वाई बाय डी टी, व्हाट इज वाई, वाई इज कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, बिल्कुल सेम टेक्निक लगाएं और आप प्रूव करें, देन यू विल फाइंड डी वाई बाय डी टी एज माइनस साइन टी कॉस टी रूट कॉस 2t होल क्यूब इंटू कॉस 3t, ये आपके पास आ जाएगा। और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि आप किस तरह से प्रूव करेंगे, जैसा हमने इसको किया सेम टेक्निक मस्ट बी अप्लाइड। और कॉस 3t का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर कॉस 3t इज 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी। तो आपके पास dx बाय dt ये आएगा और dy बाय dt ये आएगा, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, नीदर यू कैन यूज वर्ड सिमिलरली, यू विल हैव टू प्रूव दैट dy बाय dt इज इक्वल टू दिस मच। तो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, अब इनकी वैल्यू रखो आप dy बाय dt और dx बाय dt की, तो dy बाय dt का वैल्यू आप देख रहे हो ऊपर ही लिखा है माइनस साइन टी कॉस टी अपॉन रूट कॉस 2t होल क्यूब इंटू कॉस 3t होल अपॉन साइन टी कॉस टी, ये वैल्यू इसका dx बाय dt का अपॉन रूट कॉस 2t होल क्यूब इंटू साइन 3t। ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो गई, माइनस अपॉन प्लस विल रिमेन माइनस, तो माइनस अपॉन प्लस माइनस बन गया आपका, ये बना आपका माइनस कॉस 3t अपॉन साइन 3t इज कॉट 3t। आप दो बार इस क्वेश्चन को सेल्फ जब प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली यू विल बी एबल टू प्रूव दिस वेरी नाइसली विदाउट एनी प्रॉब्लम। और इन केस इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन प्लीज डू राइट मी, यदि मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और नेवर हेजिटेट इन राइटिंग, आप कभी भी आप अपने विचार मुझे लिख के भेज सकते हैं। अब इसी सीक्वेंस में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थोड़ा नया है पर बहुत ही अच्छा सवाल है, इफ एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एंड एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सेक थीटा टू द पावर एन, इस तरीके से लिख देते हैं माइनस cos theta to the power n, then prove that x square plus 4 dy by dx
होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4। ये हमें प्रूव करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो प्रोसीजर विल रिमेन सेम, पहले हम dx बाई डी थीटा निकालेंगे। अब t की जगह हमारे पास थीटा है, तो नेवर माइंड, आप dx बाई डी थीटा से स्टार्ट करें। लेट्स बिगिन सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू व्हाट, sec थीटा माइनस tan थीटा, सॉरी sec थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा। dx बाई डी थीटा इज sec थीटा tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये dx बाय डी थीटा है। और dx बाय डी थीटा के बाद आप इसमें से एक थोड़ा सा ट्रिक है, हल्का सा चाहें तो आप इसमें से tan थीटा कॉमन ले लें तो आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। sec थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा, आप समझ जाएंगे क्यों tan थीटा कॉमन लिया। sec थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये cos थीटा ऊपर भेज दीजिए। cos थीटा आप ऊपर भेजेंगे तो आपका बन जाएगा tan थीटा sec थीटा प्लस साइन साइन कैंसिल cos थीटा, एंड दिस इज व्हाट dx बाय d थीटा। अब देखिए आप y का वैल्यू क्या है, y इज व्हाट, y इज sec थीटा टू द पावर n माइनस cos थीटा टू द पावर n, इम्प्लाइज dy बाय d थीटा n sec थीटा टू द पावर n माइनस 1 sec थीटा, अब sec थीटा का भी होगा sec थीटा tan थीटा माइनस n cos थीटा टू द पावर n माइनस 1 cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, वही माइनस से माइनस कैंसिल, n sec थीटा टू द पावर, देखें आप sec थीटा टू द पावर n माइनस 1 और 1 दोनों ऐड हो जाएंगी, n माइनस 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस से माइनस कैंसिल प्लस n cos थीटा टू द पावर n और cos थीटा टू द पावर माइनस 1 नीचे आ गया तो प्लस 1 इंटू साइन थीटा। अब ये साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, tan थीटा, और tan थीटा कॉमन आ गया, n भी कॉमन ले लीजिए आप, n कॉमन tan थीटा कॉमन, ब्रैकेट विल हैव sec थीटा पावर आप देखिए n हो गई है प्लस ये आ गया आपके पास dy बाय d थीटा। तो नाउ dy बाय dx इज व्हाट, dy बाय dx इज dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा, n tan थीटा sec थीटा टू द पावर n प्लस cos थीटा टू द पावर n होल अपॉन dx बाय d थीटा, आप वहां से देख सकते हैं tan थीटा sec थीटा प्लस cos थीटा, tan थीटा कैंसिल, sec से sec और cos से cos मत कैंसिल कर दीजिएगा, है ना, इस तरह से कैंसिल नहीं होते। अब हमें देखिए क्या प्रूव करना है, उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। अब हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एक्स की वैल्यू आप ये देख लो क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का क्या है, एक्स की वैल्यू रखिए sec थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट dy बाय dx का होल स्क्वायर। तो dy बाय dx की वैल्यू वो है n इंटू sec थीटा पावर n प्लस, अब ये मिटा देते हैं इसका यूज भी नहीं, n देखिए n sec थीटा पावर n cos थीटा होल पावर n अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि यहां dy बाय dx का स्क्वायर है।
अब नेचुरली इसका स्क्वायर करेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू टाइम्स सेक थीटा कॉस थीटा प्लस फोर और ब्रैकेट क्लोज। आप समझते होंगे सेक थीटा और कॉस थीटा कैंसिल होंगे, डेफिनेटली दे विल बी कैंसल्ड। एन स्क्वायर इसका स्क्वायर करिए, सेक थीटा होल टू द पावर टू एन प्लस कॉस थीटा होल टू द पावर टू एन प्लस ट्वाइस सेक थीटा होल टू द पावर एन कॉस थीटा होल टू द पावर एन अपॉन अपॉन में इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर होके क्या बनेगा, देखिए इसका स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस सेक थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर भी सेक थीटा पावर एन कॉस थीटा पावर एन कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बचेगा, तो अब आप बड़े आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपके पास हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फोर माइनस टू प्लस टू इंटू एन स्क्वायर सेक थीटा टू द पावर टू एन कॉस थीटा टू द पावर टू एन प्लस टू अपॉन अपॉन में देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू, तो ये इससे कैंसिल, तो आपके पास LHS अब बचा, अब बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म बचा LHS का, LHS इज इक्वल टू एन स्क्वायर सेक थीटा पावर टू एन कॉस थीटा पावर टू एन प्लस टू एंड अब हमें क्या निकालना है, RHS। RHS क्या चीज है, देखिए एन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर, तो आप समझते हैं कि अब क्या करना होगा, एन स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, वाई का वैल्यू रख दीजिए सेक थीटा टू द पावर एन माइनस कॉस थीटा टू द पावर एन होल स्क्वायर प्लस फोर, ये इसका वैल्यू है, ये मिटाना पड़ेगा। तो ये आपके पास देखिए क्या आया, एन स्क्वायर इसका होल स्क्वायर सेक थीटा टू द पावर टू एन कॉस थीटा टू द पावर टू एन माइनस टू सेक थीटा कॉस थीटा प्लस फोर, सेक थीटा टू द पावर एन कॉस थीटा टू द पावर एन कैंसिल, फोर माइनस टू विल बी टू, तो ये आ जाएगा आपके पास एन स्क्वायर सेक थीटा टू द पावर टू एन कॉस थीटा टू द पावर टू एन प्लस टू। क्लियरली LHS इज इक्वल टू RHS, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमने आपने देखा कि पैरामेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देखे, और पैरामेट्रिक फंक्शंस के वो सारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस देखे जो CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और भी क्वेश्चन है, आप खुद प्रैक्टिस करिए। इन केस इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम देन डू राइट मी। मेरा चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।